हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स आज की क्लास में हम ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि ट्राइंगल्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कितने वेज होते हैं इसे क्लासिफाइड करने के ओके बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ओके ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज ट्राइंगल्स को हम टू वेज में क्लासीफाई करते हैं मतलब टू दो तरीके से हम इसे क्लासीफाई करते हैं पहला कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स साइड्स के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और एंगल्स के बेसिस पे सबसे पहला जो है हम उसको पहले समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स साइड्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं ठीक है सबसे पहला है हमारा स्केलिन ट्राइंगल ठीक है ए ट्राएंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर अन इन लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलीन ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल जिसकी थ्री साइड्स थ्री साइड्स अनईक्वल होती है मतलब इक्वल नहीं होती है बराबर नहीं होती है ठीक है लेंथ में उसे क्या बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं इन द फिगर ए बी सी इज स्केली ट्राइंगल देखो यहाँ पे फिगर दी हुई है इसमें क्या है ए बी सी है और ये क्या है हमारा स्केलिन ट्राइंगल है बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स ए बी बी सी और सी ए आर अन ये तीनों क्या है अन है देखो आप ए बी देखोगे थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी सी फोर सेंटीमीटर और ए सी टू सेंटीमीटर तो तीनों क्या है अन है मतलब अलग अलग साइड अलग अलग साइड्स है तीनों के तो जिसके तीनों साइड्स अन होते हैं वो क्या कहलाती है स्केली ट्राइंगल कहलाती है सेकेंड है हमारा आइजोसलीस ट्राइंगल ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइजोस्लीस ट्राइंगल ठीक है मतलब जिसकी टू साइड इक्वल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है वो क्या कहलाती है आइजोसलीस ट्राइंगल कहलाती है इन द इन द गिवन फिगर एल एम एन इज एन आइजोस्लिस ट्राइंगल ये वाली जो फिगर दे रखी है हमें ये क्या है हमारी आइजोसलीस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें क्या है टू साइड एल एम और एन एल मतलब ये वाली साइड एल एम और एल एन दोनों क्या है इक्वल है दोनों सेम है ना तो इस वजह से ये क्या है आइजोसलीस ट्राइंगल है ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा इक्वलेट्रल ट्रैंगल ए ट्राएंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्वलेटरल ट्रैंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो तीनों साइड्स इक्वल हो वो क्या कहलाएगा इक्वलेटरल ट्रैंगल कहलाएगा अब देखो इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्वलेटरल ट्रैंगल बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स पी क्यू क्यू आर और पी आर क्या है इक्वल है मतलब तीनों साइड्स क्या हैं इसमें इक्वल है थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर और थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है इक्वेलेटरल ट्रायंगल कहलाता है तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमारा स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं वो क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल फिर उसके बाद है आइजोसलीस ट्रायंगल ये क्या होता है इसमें टू साइड्स इक्वल होती है ओके और थर्ड है हमारा इक्वेलेटरल ट्रायंगल इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है ठीक है ये क्या होता है इक्वेलैट्रल ट्राएंगल ओके बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंगल के बेसिस पे ट्रा को क्या क्या उसकी क्लासीफाइफिकेशन होते हैं ठीक है फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्राएंगल ए ट्राएंगल इन विच ईच ऑफ द थ्री एंगल्स इज एक्यूट मतलब उसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं एक्यूट होते हैं मतलब लेस देन नाइन्टी नाइन्टी डिग्री से कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे एंगल ट्राइंगल्स एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं ठीक है जिसके तीनों साइड्स देखो यहाँ पे पी क्यू आर है इसके तीनों साइड्स क्या है नाइंटी से लेस मतलब कम है तो ये क्या कहलाए हमारे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएंगे ओके बच्चों इसमें एंगल कौन कौन से हैं पी क्यू आर और तीनों क्या है नाइन्टी डिग्री से कम है तो ये क्या हमारे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है ओके okay, नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल मतलब इसका एक एंगल कौन सा होता है राइट right एंगल होता है राइट right एंगल कितने का होता है नाइन्टी डिग्री का ठीक है इस कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल इसे क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे जिसका एक एंगल नाइन्टी डिग्री का हो वो क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़ नोन एज हाई ऑफ द ट्राएंगल मतलब साइड ऑफ अपोजिट मतलब जो ये राइट right एंगल है इसके जो अपोजिट साइड है मतलब इसके सामने वाली साइड अपोजिट हो गई ना ये जो साइड है ये क्या कहलाती है हाई न्यूज ऑफ ट्राइंगल कहलाती है हाईपोर्ट न्यूज़ क्या होता है कर्ण कर्ण को क्या बोलते हैं हम हाई न्यूज़ बोलते हैं ओके द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड द लेग ऑफ द ट्राइंगल मतलब ये क्या होते हैं लैक्स होते हैं ये जो दूसर, दोनों साइड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं कहलाते हैं ट्राइंगल के ओके इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज वाई इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल मान लो वही होता है जिसका जो एक एंगल कौन सा होता है नाइन्टी डिग्री का होता है ओके बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टूज एंगल्ड ट्राइंगल ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज़ ऑप्टीज़ मतलब ग्रेटर देन नाइन्टी ओप्टीज़ क्या होता है जो नाइन्टी से बड़े होते हैं ठीक है इज़ कॉल्ड ऑप्टीवज़ एंगल्ड ट्राइंगल अब इसके तीनों एंगल क्या हैं नाइन्टी से ज़्यादा के हैं इन द गिवन फिगर एम एन ओ इज़ एन ऑप्टीवूज़ एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज एन इज़ एन ऑप्टीवूज एंगल क्योंकि एन क्या है हमारा ऑप्टीवज़ एंगल है मतलब नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा ऑप्टूस्ड एंगल ट्राएंगल कहलाएगा ओके okay बच्चों तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राएंगल है तो आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है थैंक यू